जय हिंद दोस्तों, मैं कार्तिक आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल की सीरीज ऑलवेज बी अवेयर के एक नए एपिसोड में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सभी को बातें अच्छे से समझ में आ जाएं, कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप भी अवेयर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आप सभी को इन मास्क के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि ये कैसे आपका बचाव करते हैं, आपको संक्रमित होने से बचाते हैं और किस हद तक बचाते हैं और कितने परसेंट है अगर आप ये मास्क नहीं पहनते। तो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं जिनके ज़रिए मैं आप सभी को आज ये समझाऊंगा। तो आप सभी को मालूम ही है कि इतने महीने से हम सभी घरों में बंद हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण फैल रहा है बड़ी तेज़ी से। लाखों करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो गए हैं, हज़ारों लाखों लोगों की दुखद मौत हो गई है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। अभी भी कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और WHO ने ये दावा किया है कि अगले एक महीने में कोरोना वायरस अपनी पीक पर होगा, मतलब सबसे ज़्यादा संक्रमित और सबसे ज़्यादा मौतें होंगी। तो इसीलिए कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ उपाय हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे पहली बात, आप सभी को 20 सेकेंड तक हाथ धोने हैं, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में धोने हैं और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और बहुत ही अहम बात, हमें इन सभी मास्कों को पहनना है। ये अलग अलग मास्क है, कुछ 10 रुपये हैं, कुछ 40 रुपये के हैं, कुछ 50 रुपये के हैं। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये मास्क कैसे काम करते हैं और किस हद तक ये बचाते हैं आप सभी को और कितना परसेंट रिस्क होता है ट्रांसमिशन का अगर इनको पहनते हैं या नहीं पहनते हैं। तो चलिए देखते हैं उन फ़ोटोज़ को और समझते हैं कि कैसे ये हमको बचाते हैं। तो जैसा कि इस फोटो में आप देख रहे हैं, 90% रिस्क के अगर दोनों ही लोग, कोरोना पॉजिटिव और कोरोना नेगेटिव दोनों ही लोग अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो 90% रिस्क होता है। यहाँ पर दूसरी फ़ोटो की बात करें तो दूसरी फ़ोटो में कोरोना पॉजिटिव ने मास्क नहीं पहना है लेकिन कोरोना नेगेटिव ने मास्क पहना है, तो इसमें 30% चांस होते हैं कि ट्रांसमिशन हो जाए वायरस का। यहाँ पर तीसरे फोटो की बात करूँ तो तीसरा फोटो यहाँ पर है कि कोरोना पॉजिटिव अगर मास्क पहने और कोरोना नेगेटिव अगर नहीं पहने तो यहाँ पर 5% रिस्क होता है ट्रांसमिशन का, मतलब कुछ हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर दोनों मास्क पहने तो यहाँ पर 1.5% रिस्क है ट्रांसमिशन का, बहुत कम है लेकिन इससे भी हम कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग की। अगर आप दोनों ने, कोरोना पॉजिटिव ने और कोरोना नेगेटिव ने दोनों ने मास्क पहना है और वो 6 फीट की दूरी पर खड़े हैं तो कोई चांस नहीं है कि आपको कोरोना वायरस हो जाए, आप संक्रमण से बिल्कुल सेफ हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि हम सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो मुझे यकीन है कि जो भी मैंने फ़ोटोज़ के ज़रिए एक्सप्लेन करा है आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मास्क हम सभी को बचाते हैं कोरोना वायरस से और कितने परसेंट रिस्क होता है ट्रांसमिशन का। यहाँ पर मैं बात करता हूँ अलग अलग मास्क की। देखिए, मास्क भी अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग कीमत के आते हैं, तो अब मैं आपको अलग अलग मास्क के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे कॉमन मास्क की। तो ये देखिए, ये है सर्जिकल मास्क जो सबसे कॉमन है, सभी यूज़ करते हैं इसका, और जो लोग एक्सपेंसिव मास्क नहीं खरीद सकते उनके लिए बहुत अच्छा मास्क है। वैसे तो ये वन टाइम यूज़ के लिए होता है लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं निकलते हैं बाहर तो आप इसको 5 से 6 बार भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी कीमत 8 से सिर्फ 10 रुपये होती है पर पीस। दूसरे मास्क की बात करूँ तो ये मास्क बड़ा नया है, ये पहले मास्क नहीं चलते लेकिन अब इसके ऊपर कोरोना वायरस क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है तो इसके लिए एक नया तरीका इन्होंने निकाला है कि एक शील्ड दे दी है इसके ऊपर। और ये मास्क लगभग 40-50 रुपये का होता है। अगर देखो तो इसकी क्वालिटी जो 10 रुपये वाला मास्क उससे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक और ये शील्ड भी आपको बचाएगी कोरोना संक्रमण से। तो मैं तीसरे मास्क की बात करता हूँ। तीसरा मास्क है N95 मास्क। जी हाँ, N95 मास्क सबसे फेमस है और कोरोना वायरस के दौरान ही ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, इसका नाम हुआ, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम था कि N95 मास्क होता है। सबसे सेफ़ माना जाता है ये मास्क, इसकी कीमत लगभग 150 से 200 रुपये है अभी फ़िलहाल।
पहले ये सस्ता था, लेकिन कोरोना वायरस जब आया तो कंपनीज को लगा कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, कुछ भी करके लोग खरीदेंगे ही, तो इसके दाम बढ़ा दिए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग दुकानों पे अलग अलग कीमत है इसकी, कहीं पर 100 रुपये का मिलता है, कहीं पर 70 रुपये का मिलता है, कहीं पर 250 रुपये का मिलता है, और कहीं कहीं तो 500-500 रुपये के भी मिलते हैं। यहाँ पर मैं चौथी और आखिरी चीज़ की बात करूँ तो ये है एक शील्ड, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये ठोस जो प्लास्टिक होता है उससे बनी हुई है, और यहाँ पर स्पंज लगा है और ये जो वेलक्रो लगा हुआ है तो ये आपके फेस पे ऐसे आ जाती है, तो ये भी आपको संक्रमण से बचाती है और बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ये बहुत महंगी आती है, थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आम लोग इसको नहीं खरीद सकते। सिर्फ ये डॉक्टर्स के पास और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं पॉजिटिव लोगों के साथ, उन्हीं के पास रहती है। मेरे पास ये सब चीज़ें कैसे आई, क्योंकि मेरी मम्मी भी कोरोना वॉरियर है और मेरी मॉम हॉस्पिटल में नर्सिंग इंचार्ज है, तो उनको भी कोरोना पॉजिटिव मिलते रहते हैं, तो वो भी ऐसे ही यूज़ करते हैं सब चीज़ें। और मैं आप सभी से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप सब भी इन चीज़ों का यूज़ करें, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मास्क पहनने से कितना फ़ायदा होता है और नहीं पहनेंगे तो ट्रांसमिशन का कितना रिस्क होता है। तो होपफुली आप सभी को ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग अवेयर हो सकें और उनको मास्क की अहमियत मालूम पड़ सके। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ और पॉलिटिकल और पब्लिक टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कार्तिक दुबे लाइव ऑन यूट्यूब। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, इंसानियत जिंदाबाद।